हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित माँ तारा देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीब 250 वर्ष पूर्व सेन वंश के राजा भूपेंद्र सेन द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कमलेश शर्मा। आप कितने समय से यहाँ पे पुजारी के रूप में कार्यरत हैं? मैं 10 साल से यहाँ पे पुजारी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए जरा। मंदिर ये लगभग 300 साल पुराना है और यहाँ पर एक राजा हुए हैं भूपेंद्र सेन, जो भगवती माँ तारा देवी के उपासक थे। तो कहते हैं यहाँ पर उनको भगवती माँ तारा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, उसके उपरांत उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। पहले ये मंदिर छोटा था, अभी पिछले 5 महीने में इस मंदिर की फिर से ओपनिंग की गई है। इसको इस मंदिर को बनने में साढ़े तीन साल लगे हैं और मंदिर बहुत प्राचीन है और बड़े भारी श्रद्धालु यहाँ पर भगवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवती माँ तारा देवी ऐसे कि भगवती दुर्गा के 10 स्वरूप हुए हैं, जिसको 10 महाविद्या बोलते हैं, जिसमें काली तारा बगलामुखी छिन्नमस्तिका धूमावती षोडशी भैरवी मातंगी भुवनेश्वरी और कमला, ये 10 देवियां हैं। इसी में भगवती माँ तारा देवी दूसरे नंबर की है जी। यहाँ की इस मंदिर की कोई विशेषता और कभी वार्षिक मेला या कोई मेन उत्सव कब लगता है? भगवती के मेन उत्सव तो नवरात्रों में ही होते हैं जी, और ऐसे भी यहाँ पर हर रविवार के दिन बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं। लगभग 4-5 हज़ार भक्त यहाँ पर रविवार के दिन आते हैं। रविवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी होता है। तो ये शिमला से नज़दीक ही है, चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब आदि इत्यादि जगहों के लोग यहाँ पर बहुत सारे आते हैं और भगवती के दर्शन करते हैं। तो यहाँ के मंदिर की कोई ऐसी विशेषता जिसको लेके लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, कोई ऐसी विशेषता यहाँ? विशेषता इस भगवती का नाम तारा है जी। तारा इति दुर्ग संसारात इति तारा, जो भयानक भव सागर से तार से पार कर दे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है किसी की, भगवती के सामने पे आकर जो कोई भी अपनी फरियाद सुनाता है, प्रार्थना करता है, भगवती उस समस्या से उसको तार देती है, इसलिए इसका नाम तारा है। और तारा का मतलब ज्ञान भी होता है, प्रकाश भी है। भगवती माँ तारा देवी वाणी की अधिष्ठात्री भी हैं, विद्या की अधिष्ठात्री भी हैं। तो जो भी भगवती की उपासना करते हैं, खास करके
जो लेखक हैं, कलाकार हैं और विद्या से संबंधित जिन लोगों को विद्या जिनको चाहिए, वो भगवती की उपासना करें और भगवती उनको पारंगत कर देती है।